अस्सलाम वालेकुम क्लास टू, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमारा चैप्टर हम रीड करेंगे, कल हमने डिक्टेशन रीड किए थे, आज रीडिंग है काइंड्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की किस्में, जानवरों की अकसाम। पेंगुइन्स हैं, पेंगुइन्स की तस्वीरें, पेंगुइन्स परिंदे हैं, ये जो है पानी में रहते हैं, बत्तख की तरह होते हैं थोड़े बहुत। अब पेज नंबर 10 में आ जाएँ, टर्न द पेज नंबर 10, निकाल लिया आप लोगों ने, चलें रीड करते हैं मेरे साथ साथ रीड करें। काइंड्स ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों की अकसाम, जानवरों की किस्में। देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, तरह तरह की किस्म किस्म के जानवर पाए जाते हैं। एनिमल्स आर ऑफ मैनी कलर्स, हेडिंग है एनिमल्स आर ऑफ मैनी कलर्स, जानवरों के मुख्तलिफ रंग होते हैं, कई कलरों में होते जानवर, हर तरह के रंग में होते हैं। अच्छा देखिए, एंजल फिश है, एंजल मछली जो है, देखें द एंजल फिश हैज़ ब्राइट ब्लू एंड येलो स्ट्राइप्स। एंजल मछली के जिस्म में क्या है, ब्लू कलर की क्या है और येलो कलर की क्या है, चमकती हुई लाइट, ब्राइट चमकती हुई जो है ना लकीरें हैं। टू वन ऑफ इट्स एनिमीज, ये लकीर इसे क्या करती हैं, ये लकीरें इसे इसकी दुश्मनों से खबरदार करती हैं, इतला देती हैं। इसके जिस्म में किस कलर की चमकदार लकीरें हैं, ब्लू कलर एंड येलो, यानी नीले कलर की और पीले कलर की इसके जिस्म में लकीरें हैं चमकदार, जो कि इसके इसको इसके दुश्मनों का बताती हैं, खबरदार करती हैं उनसे। आगे है कैमेलियन गिरगिट, अ कैमेलियन कैन चेंज इट्स कलर। कैमेलियन जो है, गिरगिट क्या है, अपना कलर चेंज करता है टू हाइड फ्रॉम इट्स एनिमीज, अपने दुश्मन से छुपने के लिए क्या करता है, अपने दुश्मनों से किस तरह छुपता है, अपना कलर चेंज करता है, जैसे जिस जगह बैठ जाए वहीं कलर इख्तियार करेगा, दीवार पर बैठ के दीवार का कलर ले लेगा, दरवाजे पर बैठ के दरवाजे का कलर ले लेगा, घास पर बैठ के घास का कलर जो है इसके जिस्म में वही कलर आ जाता है, फिर दुश्मन को ये नज़र नहीं आता, समझ में आई। जिस जगह बैठ जाता है ये गिरगिट वही कलर अख्तियार करता है, फिर पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पे कहाँ पे ये जानवर, नज़र नहीं आता है। अच्छा नीचे है पैरोट, पैरोट तो आपको पता है ग्रीन कलर में होता है। द ग्रीन कलर ऑफ द पैरोट हेल्प्स इट टू हाइड इन द ग्रीन लीव्स ऑफ ट्रीज, ये ग्रीन कलर का जो तोता होता है ये दरख्तों में छुप जाता है, अपने दुश्मनों से कहाँ छुपता है, अपने दुश्मनों से जो है अपनी हिफाजत कैसे करता है, दरख्तों में छुप जाता है, ये ग्रीन होता है ना, हरा होता है, तो दरख्त में ये जब ये छुप जाता है तो ये नज़र ही नहीं आता है, क्योंकि इसकी बॉडी का कलर ग्रीन होता है। पैरोट तो हर कलर के होते हैं ना, मैं ग्रीन कलर की पैरोट की बात कर रही हूँ, सही। और ज़ेब्रा है आगे, ज़ेब्रास स्ट्राइप्स हेल्प इट टू हाइड इन द टॉल ग्रास, ज़ेब्रा के जिस्म में भी लकीरें होती हैं, ब्लैक कलर की लकीरें हैं, वाइट और ब्लैक की इस तरह की लकीरें हैं इसके जिस्म में, और ये भी अपने दुश्मनों के से अपनी हिफाजत कैसे करता है, लंबी लंबी घासों में छुप जाता है, फिर ये नज़र नहीं आता है, घासों में छुप जाता है, झाड़ियों में छुप जाता है, ये नज़र नहीं आता। तो ये हमने रिंग कर ली, ये चार जानवरों के बारे में पढ़ा है, एंजल फिश, कैमेलियन, पैरट एंड ज़ेब्रा। इस पेज को, पेज नंबर 10 को अच्छे से रीड करें, पेज नंबर 9 और 10 को रीड करें, और जो है 5 टाइम रीड करें कम से कम, और इसका जो है डिक्टेशन वर्ड भी याद करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर पेज नंबर 11 में जो एनिमल्स है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ये चार जानवरों के बारे में आपने पढ़ लिया, गिरगिट अपना कलर चेंज करता है, और एंजल मछली जो है उसके जिस्म में ब्लू एंड येलो कलर की जो है लकीरें बनी हुई हैं, चमकदार लकीरें हैं, और पैरोट ग्रीन कलर का अपने आप को कैसे छुपा लेता है, दरख्तों में छुपा लेता है, और ज़ेब्रा अपने आप को घास में छुपा लेता है, लंबी लंबी घासों में छुप जाता है, और गिरगिट जहाँ पे बैठ गया बस कलर चेंज कर लिया इसने, वही कलर अख्तियार कर लेता है, आसानी से दुश्मनों से अपनी हिफाजत कर लेता है। एंजल फिश की जिस्म में भी जो लकीरें हैं इसको इसके जानवर इसके जो है दुश्मनों का बारे में खबरदार करती हैं। अच्छा पेज नंबर 9 और 10 के आप अच्छे से रीड करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पेज नंबर 11 की रीडिंग करेंगे, 11 और 12, और डिक्टेशन नोट को भी अच्छे से याद करिएगा, और आपने टाइटल बना लिया होगा ना काइंड्स ऑफ एनिमल्स का और
डिक्टेशन वर्ड्स भी लिख लिए होंगे, अभी एडिटिंग करनी है। जिसने नहीं लिखे हैं वो लिख लेना, अच्छे से सफाई से काम करिए। इंशाल्लाह कल फिर मैं आप लोगों को दूसरा काम, दूसरी रीडिंग कराती हूँ पेज नंबर 11 और 12 की। ओके, अल्लाह हाफिज़ क्लास।